आपको जो राहुल भाई इंशाल्लाह आज दो सिटिंग बताने वाला है और इससे आपकी चैनल सर्च में बिल्कुल आएगा। पहले तो मैं आपको वो सिटिंग इस वीडियो के अंदर करा के दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे जाऊंगा और उस चैनल का नाम सर्च करके आपको फर्स्ट पे दिखाऊंगा भी बिल्कुल फ्री। तो हाँ दोस्तों, आपका भी चैनल सर्च में नहीं आता, आप भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं लेकिन आपका चैनल अभी तक सर्च में नहीं आ रहा, तो मैं आज आपको एक दो सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपका चैनल जो है वो फर्स्ट में सर्च में आएगा। चाहे आपका चैनल नए है या पुराना है, इन दो की वजह से आपका चैनल जो भी सर्च करेगा तो आपका चैनल जो है इंशाल्लाह वो सर्च में फर्स्ट पर आएगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सही समझ आ सके। आपको जो राहुल भाई इंशाल्लाह आज दो सेटिंग बताने वाला है और इससे आपकी चैनल सर्च में बिल्कुल आएगा। पहले तो मैं आपको वो सेटिंग इस वीडियो के अंदर करा के दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे जाऊंगा और उस चैनल का नाम सर्च करके आपको फर्स्ट पे दिखाऊंगा भी बिल्कुल फ्री। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पहले से लाइक कर दो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहे। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हाँ दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यूट्यूब के अंदर चले जाना है। यूट्यूब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपना नाम सर्च कर देना है। आपने नाम सर्च करना है, यहाँ पर लिख देना है आपका चैनल का जो भी नाम है। टेक्निकल राहुल भाई मेरा नाम है। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट जो ये चीज़ है, ये मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट जो है वो आपने अपना नाम सही चूज़ करना है, अच्छा नाम लगाना है। यूट्यूब में सर्च करना है कि आपके नाम के तो बहुत सारे चैनल्स नहीं हैं, अगर है तो उस चैनल का आपने कुछ कीवर्ड या नंबर नाम आगे थोड़े से आगे पीछे करने हैं कि आपका यूट्यूब को पता चले कि हाँ ये चैनल जो है ये कोई और नाम से सेव है। क्योंकि यहाँ पर देखो टेक्निकल राहुल भाई मैंने सर्च किया तो ये देखिए कितने सारे चैनल्स आ गए, ये देखिए चाहिए ये देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये काम करना है कि आपने अपना चैनल का नाम यूनिक रखना है, छोटा रखना है ये बड़ा रखना है लेकिन यूनिक रखना है, जिससे आपके चैनल का जो है लोग सर्च करें और वो सीधा सर्च में आ जाए। अब दूसरा ये देखिए, ये मेरा चैनल है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है, अब आप फिर क्या करना है उसके लिए दूसरा जो सेटिंग आपने करना है जिससे आपका चैनल सर्च में आए, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपके सामने सर्च भी किया और फिर भी करता हूँ, वाइट स्टूडियो लॉगिन आपने सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वाइट स्टूडियो लॉगिन सर्च कर दिया है। सबसे पहले आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम वेट करते हैं कि वाइट स्टूडियो गूगल के अंदर ओपन हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ, जो बातें मैं बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनना है और देखना है ताकि आपका भी चैनल फर्स्ट सर्च में आए। तो यहाँ पर जैसे आपका वाइट स्टूडियो खुल जाए तो दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम करना है दोनों उंगलियों से और इस साइड पर आ जाना है। नीचे आपको कॉर्नर पर एक वो देखिएगा सेटिंग ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पे दोस्तों आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो सेटिंग आएगा यहाँ पर, ये सेटिंग आप देख सकते हैं। मैं ये देखिए मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है, चैनल का, अपलोड फ्रेमेशन का, कम्युनिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने चैनल पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे चैनल का ऑप्शन है, आपने चैनल पे क्लिक करना है। तो ये जो सेटिंग है ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप इसको जूम करिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, कीवर्ड। कीवर्ड क्या लिखा है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने नाम का जो है कुछ सारे इसके अंदर यहाँ पर आप में ये जगह आपकी वाइट स्टूडियो की ये जगह खाली होगी, यहाँ पर आपने अपना चैनल का कुछ नाम की कीवर्ड लगाने हैं, जैसे कि ये लगे हुए आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपका मिसाल टेक्निकल राहुल है तो आपने लिख देना है टेक्निकल राहुल, फिर आप आगे लिख देना है टेक्निकल राहुल भाई, फिर आपने लिखना है टेक्निकल भाई राहुल, इस तरीके से मिक्स नाम लिख देने हैं आपने, अपना नाम को मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने बड़े यूट्यूबर्स से आपके नाम आपके कैटेगरी के तो उसका नाम लिखना है, जैसे कि मैं लिखो मनोज दे, टेक्निकल तनवीर असगर भाई, टेक्निक देखो तनवीर भाई, ये देखें इसे, ठीक है ये देखें, ठीक है इस तरह टेक्निकल गुरु जी विलोक, टेक्निकल राहुल भाई, ये देखिए। तो इस तरह से आपने लिख देना है। मैं अभी आपको वाइट स्टूडियो में यूट्यूब में लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखें, मैं अगर अपना नाम मैंने कीवर्ड में लगाया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्निकल राहुल भाई, ये फर्स्ट पे आ गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको लिख देता हूँ यहाँ पर टेक्निकल राहुल, सिर्फ टेक्निकल राहुल लिखता हूँ, देखिए आ गया मेरा चैनल आपके सामने है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राहुल
राहुल बाई टेक्निकल, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राहुल बाई टेक्निकल, ये देखिए तब भी मेरा चैनल आ रहा है, मिक्स नाम से आ रहे हैं ना। तो आप भी ऐसे चीज़ बनाएं, ऐसे नाम लेके इस कीवर्ड्स के अंदर अपना नाम को मिक्स करें ताकि आपका जो चैनल है वो सर्च में आए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।